आज का हम लोग का पहला प्रश्न है, यदि किसी संख्या के 27% का मान 11 है तो संख्या ज्ञात कीजिए, यानी वो संख्या क्या हो गया। क्या बोल रहा है? 27% का मान कितना है? 11। अब इस पॉइंट को यदि हम लोग खत्म कर दें तो जितना दशमलव के बाद अंक है उतना हम लोग यहाँ जीरो बैठा देंगे। अब इसको क्या करेंगे, हम लोग काटेंगे तो 11 दहा 110, ये हो जाएगा 11 दूना 22, बचेगा यहाँ 5, 11 पचे 55। हम लोग को निकालना क्या है? संख्या। और कोई भी संख्या अपने आप में 100% होता है। 100% का मतलब टोटल, जैसे पूरा संख्या यदि 125 है तो 125 को परसेंट के रूप में, यानी टोटल संख्या हम लोग का यदि 125 होगा तो टोटल को हम लोग क्या बोलते हैं? 100%। यानी 100% का मान कितना होगा? 125। इसका मतलब संख्या निकालने के लिए 100% का मान निकालना होगा, और अभी हम लोग के पास कितना आया है? 25%। तो 25 को 100 बनाने के लिए कितना से गुना करना पड़ेगा? 4 से। तब ये क्या हो जाएगा? 100%। अब 4 से यहाँ हुआ है तो दूसरे साइड में भी हम लोग 4 से गुना करेंगे, क्योंकि जितना से इधर होगा उतना ही से दूसरे साइड में होगा। तो ये कितना हो जाएगा? 10 चौक 40। यानी कि 100% का मान कितना हो गया? 40। तो संख्या क्या था? वो संख्या जो है 40 है। हम लोग का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, 40। हम लोग का अगला प्रश्न है, यदि एक संख्या, अब एक संख्या कौन अभी नहीं मालूम है, और उसके 25% का अंतर 24 है तो संख्या ज्ञात करें। अभी हम लोग यहां देखे थे कि कोई भी संख्या जिसका बाद बोल रहा है, यानी कुछ न कुछ संख्या होगा, उस पूरे संख्या को परसेंट के रूप में हम लोग क्या बोलते हैं? कि वो 100% रहा होगा। परसेंट के रूप में पूरे को 100% बोला जाता है, यानी कोई संख्या अपने आप में 100% रहा होगा। अब बोल रहा है एक संख्या, यानी कि 100% संख्या, एक संख्या यानी टोटल संख्या, टोटल मतलब परसेंट के रूप में 100, 100%, और उसके 25% का अंतर, यानी कि 100% में से 25% अंतर का मतलब दोनों को घटाना होगा। तो एक संख्या यानी 100% और उसके 25%, और 100% 100% का मतलब 25% क्या होता है? 100% का 25% 25 ही होता है। तो 100 में 25 को घटाएंगे, आएगा कितना हम लोग का? 75। यानी 75% बचेगा, लेकिन ये क्या बोल रहा है? अंतर कितना? 24। हम लोग का अंतर 75 आया जबकि ये बोल रहा है कि 24। क्यों? अब ये परसेंट में मान 75 है और ये एक्यूरेट 24 है। हम लोग को निकालना क्या है? संख्या। संख्या मतलब 100% का मान, क्योंकि कोई भी संख्या क्या होता है? अपने आप में 100%। तो 100% का मान निकालना होगा। अब 100% के लिए इस 75 को क्या करना होगा? 100 बनाना होगा। तो काटते हैं 25 या 75, यानी 3 से 25 बार में, तो 3 से यहाँ काटेंगे, 3 8 24। निकालना क्या है? 100%। तो 25% को 100% बनाने के लिए, यानी कह सकते हैं 25 को 100 बनाने के लिए कितना दुगुना करेंगे? 4 से। 25 चौक 100 होता है, तो 100% आ गया। अब 4 से यहाँ किए हैं तो 4 से इधर भी हम लोग को गुना करना होगा, तो 8 चौक कितना हो जाएगा? 32। यानी कि संख्या कितना था? 32। हम लोग का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, 32। हम लोग का अगला प्रश्न है, रवि का वेतन मोहन के वेतन से 20% अधिक है। तो सबसे पहले लेते हैं यहाँ रवि और एन मोहन। रवि का वेतन यानी इसका वेतन कितना है?
बोला मोहन के वेतन से 20% अधिक है, तो तुलना किससे कर रहा है, मोहन से, इसलिए मोहन का वेतन हम लोग के पास होना चाहिए। अब यहाँ देख रहे हैं कि तुलना किस में हो रहा है, परसेंट के रूप में, परसेंट यानी 20% का मतलब 100 में 20। तो मान लिए कि यदि मोहन का वेतन 100 था तो रवि का कितना हो जाएगा, मोहन से 20% अधिक, यानी 100 से 20 अधिक, 20% का मतलब 100 में 20 अधिक, तो हो जाएगा 120। क्योंकि 20% का मतलब, 20% का मतलब क्या होता है, 20% बराबर होता है 20/100, यानी 100 में 20। यदि मोहन 100 है तो 20 बढ़ाया तो कितना हो गया, 120। अब इसका हम लोग क्या करेंगे, अनुपात ज्ञात करेंगे, अनुपात यानी छोटा रूप, इसको काटेंगे। तो 0 से 0 गया, 2 6 12, 2 से काटेंगे, 2 5 10, अनुपात में मान कितना आ गया, रवि का 6 और मोहन का 5। अब मोहन का अनुपातिक मान 5 है, लेकिन बोल क्या रहा है कि मोहन का वेतन 1600, तो हम लोग बोल सकते हैं कि 5 का मान 1600, अनुपात में 5 लेकिन एक्यूरेट कितना 1600। अब इसको हम लोग काटेंगे, क्यों काटेंगे, बोल रहा है तो रवि का वेतन कितना होगा, तो रवि का अनुपातिक मान कितना है 6, तो 5 का मान 16, तो ज्ञात करना है कि 6 का मान कितना होगा, इसके लिए हम लोग को 1 का मान निकालना होगा, यानी अनुपातिक 1 मान। तो 5 से काटेंगे, 5 एकम 5, 5 3 15, यहाँ बच्चा 1, 0 10, 5 2 10, यानी अनुपात में 1:1 का मान कितना हो गया 320। निकालना किसका मान हम लोग को, रवि का वेतन, रवि का अनुपातिक मान कितना है 6, तो 1 का मान 320, तो 6 का मान कितना हो जाएगा, तो 320 × 6, तो आ जाएगा हम लोग का 2 6 12, तो 2 हाथ में 1, 3 6 18 1 19, रवि का मान कितना आ गया, 6 का मान 1920 रुपया। तो रवि का वेतन कितना होगा, ऑप्शन नंबर बी 1920 रुपया। हम लोग का अगला प्रश्न है, यदि x का 35% बराबर है y के 40% के, तो x अनुपात y का मान क्या होगा। तो क्या बोल रहा है, x का यानी गुना 35% बराबर y का यानी गुना 40%, अनुपात में मान निकालना, यानी x का मान क्या होगा और y का मान क्या होगा ये ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको काट लेंगे, कैसे, 5 7 35, 5 8 40, परसेंट से परसेंट गया, तो x का मान क्या आएगा, तो x के बराबर में अंक देखेंगे, तो यहाँ x, यहाँ बराबर, अब बराबर के बाद अंक कौन है, ये y अंक नहीं है, अंक यहाँ हम लोग का 8, यानी x का मान कितना आएगा 8, x का मान 8 हो गया, y कैसे आएगा, तो ये y बराबर, यानी तो बराबर यहाँ है, y बराबर कौन सा अंक दिख रहा है 7, तो बराबर में लेंगे तो 7, तो अनुपात में 8:7, यानी कि x का मान 8 और y का 7, तो अनुपातिक मान कितना आया 8:7, तो हम लोग का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी 8:7। हम लोग का अगला प्रश्न है, एक संख्या का 50% उस संख्या के 4/5 में भाग से, उस संख्या मतलब जिस संख्या का ये 50% है उसी संख्या का 4/5 भाग का बात हो रहा है। अब उसी संख्या का 4/5 भाग का मतलब प्रतिशत में ये 50% है, तो 4/5 भाग का मतलब कितना होगा, कितना परसेंट, तो 4/5 प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करते हैं हम लोग, 100 से गुना, क्यों, प्रतिशत का मतलब 100 में, तो 4/5 का मतलब हुआ 5 में 4,
तो 100 में कितना, इसलिए 100 से हम लोग गुना करते हैं, तो काटेंगे 20 25 100, ये हो गया 20 चौक 80, और किसमें निकला 33 में, यानी इसका यदि बात करें परसेंट में तो 80%। लेकिन परसेंट में निकाले क्यों, कारण क्या था इसका? कारण ये है कि बोल रहा है कि एक संख्या का 50% उस संख्या के 4/5 भाग से 21 कम है, यानी कि 50% और 80% का अंतर कितना, 21। कैसे? दोनों का अंतर यानी कि 21 कम है, किससे? इससे ये, तो 80% माइनस 50%, दोनों का अंतर कितना आया, 30%। कितना कम हुआ, प्रतिशत में कमी 30%, लेकिन ये बोल कितना रहा है 21, तो प्रतिशत में 30 लेकिन एक्यूरेट मान कितना 21। अब यदि इसको हम लोग परसेंट में नहीं बदलते तो निकालना थोड़ा टफ होता, यानी कठिन होता, इसलिए इसको हम लोग प्रतिशत में बदल लिए। अब क्या करना है, संख्या ज्ञात करना है, और संख्या मतलब अभी हम लोग पढ़े थे कि कोई भी संख्या, पूरा संख्या, कोई भी पूरा संख्या अपने आप में क्या होता है, 100%, यानी हम लोगों को किसका मान निकालना है, 100% का मान, तो 100% का मान निकालेंगे तो कैसे आएगा, 3 × 30 और 3 × 7 = 21। अभी तो 10% आया यहाँ, अब 10 को 100 बनाने के लिए 10 से गुना करेंगे, अब यहाँ 10 से गुना करेंगे तो यहाँ भी हम लोग को 10 से गुना करना पड़ेगा, तो ये हो गया 100%। परसेंट कैसे, क्योंकि यहाँ परसेंट था, और ये हो जाएगा 10 × 7 गुना करेंगे तो 70, यानी 100% का मान कितना हो गया, 70। तो संख्या हम लोग का कितना आ गया, 70। आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 70। हम लोग का अगला प्रश्न है, एक संख्या का 35% दूसरी संख्या के 30% के बराबर है, पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात क्या होगा। क्या बोल रहा है, एक संख्या का 35% यानी पहली संख्या का 35% बराबर होगा दूसरी संख्या के 30% के, यही तो बोल रहा है, एक संख्या का 35% ये दूसरी संख्या के 30% के बराबर है, बराबर आ गया। अब क्या करना हम लोग को, अनुपात ज्ञात करना है, तो सबसे पहले काटेंगे, परसेंट से परसेंट गया, 5 × 7 = 35, 5 × 6 = 30। अब एक का मान कितना आया, तो इसका मान निकालना है, तो बराबर के दूसरे साइड में देखेंगे, तो बराबर यहाँ हम लोग का, तो बराबर के दूसरे साइड में क्या मिला, 6, यानी इसका मान 6 हो गया। अब इसका मान ज्ञात करना है, तो बराबर के दूसरे साइड में कितना आया, 60। अनुपातिक मान कितना आ गया, 6:7। हम लोग का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, 6:7। हम लोग का अगला प्रश्न है, यदि ए का 15% बी के 18% के बराबर है, तो बी का कितना प्रतिशत ए के 20% के बराबर होगा। दे कह रहा है ए का 15%, ए का यानी गुना 15% बराबर है किसके, बी के यानी गुना 18% के। निकालना क्या हम लोग को, ए का 20% यानी ए का यहाँ 15% है, और होना क्या चाहिए, 20%, यानी इस 15 को हम लोग 20 बनाने का कोशिश करेंगे, तो कैसे बनेगा, 3 × 5 = 15, 3 × 6 = 18। परसेंट तो है ही, बस 5 के जगह 20 हो जाए, तो 5 को 20 बनाने के लिए क्या करेंगे हम लोग, गुना कर देंगे 4 से। जब इस साइड में 4 से गुना हुआ है तो दूसरे साइड में भी 4 से गुना होगा, तो क्या आ गया हम लोग के पास, ए का 20%
यही तो क्वेश्चन पूछ रहा था, ए का 20% क्या होगा, तो बराबर में क्या आ गया, बी का कितना 24%, तो बी का कितना परसेंट 24%, यही निकालना था। तुम लोग का आंसर क्या होगा, 24%। हम लोग का अगला प्रश्न है, यदि पहली संख्या का 40% बराबर है, यानी 40% का मान बराबर है, दूसरी संख्या का 50% 24 के बराबर है, तो पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात क्या होगा। अब पहली संख्या दूसरी संख्या का मतलब पहली संख्या का 40% और पहली संख्या यानी पहली संख्या, पूरा को क्या बोलते हैं हम लोग, 100%। तो 40% का मान कितना दे रहा है, 12। बोला 40% का मान 12 है, कौन पहला संख्या का बात हो रहा है, तो 100% कितना होगा, तो 4 दहिए 40, 4 3 12, 10% का मान 3, तो 10 को 100 बनाएंगे तो कितना आ जाएगा, 100%। अब 10 को 100 बनाने के लिए 10 से गुना किया गया था, तो यहां भी हम लोग 10 से गुना कर देंगे, कितना आ जाएगा 30। यानी पहला संख्या कितना आ गया, 100% का मान 30, तो पहला संख्या हो गया हम लोग का 30। अब दूसरा संख्या कितना है, तो क्या बोल रहा है, 50% का मान 24। तो भैया 50% का मान 24, तो 100% का मान कितना, तो 50 को 100 बनाने के लिए 2 से गुना करेंगे 100%, तो ये भी 2 से गुना हो जाएगा, 24 दुना 48, तो दूसरा संख्या कितना हो गया, 48। क्या बोल रहा है, पहली संख्या दूसरी संख्या का अनुपात, तो पहली संख्या 30 और दूसरी संख्या 48, और दोनों का अनुपात निकालने के लिए इसको और छोटा करेंगे, तो 6 5 30, 6 8 48, 5:8 का अनुपात में आएगा। तो हम लोग का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, 5:8।